कुदरत के निजाम पर कुर्बान चाहिए कि आदमी को रात को सोना है तो अपने घर की लाइट भी वो ऑफ कर देता है, या तो नाइट लैंप उसने जला लिया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है, बाकी ट्यूबलाइट जल रही है और लाइटें वगैरह जल रही है तो उसे बंद कर देता है, इसलिए कि वो जानता है कि मुझे नींद उस वक्त आएगी जब अंधेरा होगा। ए मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने रात को सुकून के लिए बनाया तो सूरज को भी गुरूब कर दिया ताकि बंदों के यहाँ रोशनी न पहुंचे। यानी उसने सुकून का एहतमाम किया, जब कह दिया कि रात तुम्हारे लिए सुकून की बनाई तो अब रात में हम सूरज नहीं निकालेंगे ताकि रोशनी न पहुंचे, अगर रोशनी पहुंचेगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो हम तुम्हारे लिए सूरज को रात में गुरूब कर देते ताकि तुम आराम से रात में सुकून हासिल करो। अब आप देखें हम रात में कितना सुकून हासिल करते हैं, शायद ही मुस्लिम मुआशरे के अंदर रात 3 बजे पहले शुरू होती हो, 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगे हैं, व्हाट्सएप पर लगे हैं, चैटिंग पर लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, इस पे लगे, उस पे लगे, लगे हुए हैं, इसके अंदर जहन डाइवर्ट हो रहा है। कुरान ने कहा रात तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाई और हम सुकून हासिल करने के लिए तैयार नहीं, और यही वजह है कि टेंशन लेस होने के लिए साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट आपको ये मशवरा देंगे कि रात को जल्दी सो जाया करो, तुम्हारी तबीयत के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम्हें सुकून की दौलत नसीब होगी। साइकियाट्रिस्ट आज कहता है, कुरान ने 1400 साल पहले तुम्हें बता दिया, उसने रात बनाई तुम्हारे लिए सुकून के लिए ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अब रात के सुकून के हवाले से भी बता दूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने फरमाया, बिला जरूरते शरई इशा के बाद घर से बाहर न निकलो। अगर कोई आप दीनी महफिल में जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो अलग चीज है, आस्ताने पे जा रहे हो अलग चीज है, इबादत के लिए जा रहे हो अलग चीज है, अगर तफरी के लिए जा रहे हो, आपने सोचा कि चलो रात को जाकर के पॉइंट पर बैठे, नहीं, आप सोचेंगे तबीयत फ्रेश हो जाएगी, लेकिन मना है। आप सोचते होंगे कि रात जगकर, हां अल्लाह वालों की रात कुरान ने बयान की कि अल्लाह वाले रात को सोते नहीं हैं, उनके सुकून का सामान क्या होता है, तो कुरान कहते हैं कानू कलीलम मिनल लैल यहजऊन औ कमा काल, वो रात को बहुत मुख्तसर सोते हैं। और फिर कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया कि वो अपनी रात को यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो अपनी रात सजदे में गुजार देते हैं और क़याम में गुजार देते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो कुरान ने फॉर्मूला दे दिया, मुसल्ला बिछाओ नमाज पढ़ो। आपको नींद नहीं आती, कुरान ने फॉर्मूला दिया कि आप तिलावत कुरान मुकद्दस करो। जब से उम्मते मुस्लिमा, बल्कि उम्मते मुस्लिमा की इसमें कोई तखसीस नहीं है, आप पूरी दुनिया के यूथ को देख लो और खास तौर पर मुसलमानों का मैं अर्ज करूंगा। मैं कभी कभी प्रोग्राम से लेट नाइट आता हूं या आउट ऑफ इंडिया से लेट नाइट आता हूं, अपनी गली के अंदर लड़के लोग बाइक पर बैठे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको जिंदगी की कोई पड़ी ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और गैर मुस्लिमों के इलाके से आप रात को आइए 10 बजे के बाद सन्नाटा, अपने यहाँ आप देखिए ना, डॉक्टर की क्लिनिक रात को 1 बजे तक अपने मोहल्ले में खुली रहती है और गैर मुस्लिमों के यहाँ डॉक्टर की क्लिनिक 7 बजे तो बंद हो जाती है। आप जरा सोचो हम कहाँ जा रहे हैं, हम बिल्कुल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में बेचैनी है। कुरान ने कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो।